हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में पढ़ेंगे राइट ऑफ सेट ऑफ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम जेईई एग्जाम की बात करें, क्योंकि इस सेशन में हम समझेंगे कि सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ के फीचर्स क्या हैं और सेट ऑफ किन केसेस में एप्लीकेबल है। तो अगर हम स्पेशली जेईई एग्जाम की बात करें तो जेईई में फीचर्स से आपको 0.5 का एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है और एप्लीकेबल केसेस से भी आपको एक से दो क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद सेट ऑफ। सो सेट ऑफ क्या होता है? अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक का मेन काम क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स हैं उनसे जो भी डिपॉजिट है उसको रिसीव करना। जैसे कस्टमर्स हैं, उनके पास एक्सेस मनी है तो वो बैंक में अपना पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और फिर बैंक उनको डिफरेंट लेंडिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो यही तो बैंक का मेन काम होता है ना। तो जिसको जिसको लैंड करती है वो कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फॉर्म भी हो सकती है, राइट? तो अगर हम बात करते हैं कि जिसको भी लैंड करती है वो इनके लिए क्या हो जाते हैं, वो इनके लिए बोरोवर्स हो जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जो भी कस्टमर है वो इनके लिए क्या हो जाते हैं, बोरोवर्स हो जाते हैं बैंक के लिए, कि इन्होंने पैसा जो है वो उधार लिया है। बोरोवर्स किसको कहते हैं, जो पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में एक बैंकर और एक बोरोवर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बैंकर और बोरोवर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटर और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट। अब हु इज कॉल्ड डेटर एंड हु इज कॉल्ड क्रेडिटर, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है। सपोज दैट कि कोई पर्सन एक्स है, ठीक है, और वो वाई से, अब एक्स को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो एक्स ने वाई से क्या किया, 1 लाख रुपए जो है वो उधार ले लिए, बोरो कर लिया। ठीक है, तो इस केस में जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइनेंशियल टर्म में बात करें तो वाई के लिए जो डेटर है वो क्या है, एक एसेट की तरह काम करता है। एसेट क्या होते हैं, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वही आपके एसेट है, जो भी वैल्यू फ्यूचर में प्रॉफिट दे वही आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस केस में डेटर कौन है, एक्स। तो जो भी पैसा बोरो करता है वो क्या हो जाता है, उसको हम डेटर बोलते हैं। जो पैसा लेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है। फाइन, इसके बाद क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट से ये इम्प्लाई होता है कि जो भी बोरोवर्स है या फिर जो भी डेटर है वो क्रेडिटर को क्या करता है, प्रॉमिस करता है फॉर रिपेइंग मनी। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या इम्प्लाई होता है कि जो भी बोरोवर है उसने जो भी पैसे लिए हैं वो उसे रीपे करने का क्या करता है, प्रॉमिस करता है टू बैंकर। ओके, अब समझते हैं कि व्हाट इज राइट ऑफ सेट ऑफ। अब सेट ऑफ का यहाँ पे राइट कहाँ से आया, लेट्स अंडरस्टैंड द सेट ऑफ कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। सपोज दैट कि ये कस्टमर है बैंक के लिए और ये जो है ये बैंकर है, और इस कस्टमर का जो अकाउंट है वो ए बैंक में, बैंक कोई ए है जिसका नाम ए है और इसकी जो ब्रांच है वो बी है। ठीक है, बैंक ए की बी ब्रांच में इस कस्टमर का अकाउंट है, इस कस्टमर का सेविंग अकाउंट है और करेंट अकाउंट है। अब ये कस्टमर को लोन की रिक्वायरमेंट थी तो ये बैंक के पास गया, बैंक ए की बी ब्रांच में ही गया और उसने लोन जो है वो ले लिया बैंक से, पर्सनल लोन इसने जो है वो बैंक से अप्रूव करा लिया और ले लिया बैंक से। बट लोन लेने के बाद ना तो इस कस्टमर ने कोई भी बैंक से कांटेक्ट करा और ना ही कोई किसी तरह का कोई रीपेमेंट करा उस लोन लोन अकाउंट में। मतलब जो भी पर्सनल लोन था, मान लो सपोज दैट कि उसने पर्सनल लोन 10 लाख रुपीज का लिया था, बट उसने लोन लेने के बाद से कोई भी रीपेमेंट जो है इस अकाउंट में नहीं करा, इस पर्सनल अकाउंट में किसी तरह का उसने रीपेमेंट नहीं करा। अब क्या था कि इस अकाउंट की जो भी इसने लोन लिया था उसकी ड्यू डेट आने वाली थी, तो बैंक ने ड्यू डेट आने से पहले इस कस्टमर को क्या क्या नोटिफाई करा कि जो ड्यू डेट आने वाली है। जैसे आपने कभी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो तो बैंक से मेल्स और जो मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ड्यू डेट आने वाली है, इसके पहले आपको जो पेमेंट है वो कर देना चाहिए, है ना। तो इसी तरह जो ये जो बैंक है, इस बैंक ने भी क्या है, अपने कस्टमर को नोटिफाई करा कि जो ड्यू डेट है वो आने वाली है, आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं करा है अपने लोन अकाउंट में, है ना। साथ में बैंक ने जो है वो प्रॉपर रीपेमेंट ऑप्शन से भी कस्टमर को अवेयर कराया कि आप इस तरह के रीपेमेंट ऑप्शन से भी आप जो है वो अपना जो लोन अकाउंट में जो रीपेमेंट है वो आप कर सकते हो। बट स्टिल जो कस्टमर है उसने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड बैंक को नहीं दिया। ठीक है, अब इस केस में बैंक क्या करे, बैंक ने तो लोन दे दिया है, कस्टमर यहाँ पे जो है वो पैसा नहीं देना चाह रहा है बैंक को, तो यहाँ पे जो है बैंक कहे या फिर कोई फर्म कहे उसको एक स्पेशल राइट मिलता है जिसको कहा जाता है राइट ऑफ सेट ऑफ। इस राइट के अंडर में क्या होता है, इसमें बैंक को राइट मिलता है कि वो कस्टमर के लोन अकाउंट के अलावा किसी अदर अकाउंट जिसमें जो बैलेंस है वो क्रेडिट में हो उसको लोन अकाउंट के डेबिट बैलेंस से क्या कर सकती है, कंबाइन कर सकती है।
कंबाइन करना कहें या फिर कहें सेट ऑफ कर सकती है, ठीक है। तो सपोज दैट पर्सनल लोन 10 लाख रुपीज का लिया था इसने, इस कस्टमर ने, और इसके सेविंग अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं, 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में इसके पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगी, बैंक ऐसे ही राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं अप्लाई कर देगी, बैंक यहाँ पे इस कस्टमर की पहले फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसकी कितनी है। सपोज दैट कि कोई कस्टमर है और उसकी जो उसका बैंक में क्या है, सैलरी अकाउंट है, और उस सैलरी अकाउंट में जो है हर महीने 30,000 रुपीज जो है वो आते हैं। तो बैंक ऐसा नहीं कर सकती कि बैंक पूरे पूरे रुपए जो है वो उसको सेट ऑफ कर दे, इससे क्या होगा, इससे उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी उस कस्टमर को। तो जो बैंक है उसको ये भी ध्यान देना है कि उस कस्टमर को फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में बैंक क्या करेगी, बैंक का जो भी ड्यू पेमेंट होगा उस ड्यू पेमेंट को सेविंग अकाउंट से निकालेगी, ठीक है। जो भी उसमें क्रेडिट बैलेंस होगा, ये पार्शियल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कस्टमर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है। और उसको कस्टमर के लोन अकाउंट से क्या कर देगी, सेट ऑफ कर देगी, या कहते हैं कंबाइन कर देगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सपोज दैट इस कस्टमर का इस बैंक से, तो इस कस्टमर ने लोन अकाउंट लिया था इस बैंक ए की बी ब्रांच से, तो इसने लोन अकाउंट लिया है बैंक ए की बी ब्रांच से, इसने लोन अकाउंट लिया है, बट इसका जो सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट कहें या फिर कहें एफडी बोल दें, वो उसकी सी ब्रांच में है। सी ब्रांच मतलब ए बैंक की सी ब्रांच में इसका जो है वो सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है, या कहें फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है। तो क्या इस केस में जो बैंक है वो अप्लाई कर सकती है राइट ऑफ सेट ऑफ? हाँ कर सकती है, यस वो इस केस में भी अप्लाई कर सकती है। मतलब जब तक बैंक सेम है तब तक राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। वो हो सकता है उस बैंक का डिफरेंट ब्रांचेस में अकाउंट हो, वो मैटर नहीं करता, बैंक एक होनी चाहिए, वो फर्म एक होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कि अगर मान लो कि एफडी है, और जो पूछा जाएगा भी, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो जैसे कि कोई एफडी है और वो मैच्योर अभी नहीं हुई है, मान लो कि कस्टमर का जो है वो अकाउंट है, एक अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, और एक लोन अकाउंट है। अब अगर बैंक जो है राइट ऑफ सेट ऑफ अप्लाई करना चाहती है, बट ये जो एफडी है इसकी मैच्योरिटी होगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या फिर कहें जब भी ड्यू डेट के बाद इसकी जो मैच्योरिटी होनी है, तो क्या बैंक इस केस में एफडी के डिपॉजिट को लोन अकाउंट से सेट ऑफ कर सकती है? तो आंसर आएगा नो, नहीं कर सकती है। तो बैंक जो है वो बैंक उस कस्टमर के फिक्स डिपॉजिट को उस उसके लोन अकाउंट से जब तक जो है वो सेट ऑफ नहीं कर सकती, जब तक वो फिक्स डिपॉजिट जो है वो मैच्योर ना हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम एक तरह से समझ चुके हैं कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है। तो राइट ऑफ सेट ऑफ क्या है, राइट ऑफ सेट ऑफ इज द राइट ऑफ बैंक, जिसमें बैंक क्या करती है वो सेम पर्सन के या कहें सेम कस्टमर के दो अकाउंट्स को कंबाइन कर सकती है, जिसमें एक अकाउंट क्रेडिट में होता है और एक अकाउंट डेबिट में होता है। फाइन, अंडरस्टैंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ के एसेंशियल फीचर्स में जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि जो पैसे हैं वो उसी अकाउंट से ट्रांसफर होने चाहिए, मतलब उसी कस्टमर के अकाउंट से ट्रांसफर होने चाहिए जिस कस्टमर का लोन अकाउंट है, ठीक है। सपोज दैट एक कस्टमर है और इसका बैंक में सेविंग अकाउंट है और लोन अकाउंट है, तो अगर हम सेट ऑफ करेंगे तो हम जो कंबाइन करेंगे वो हम लोन अकाउंट का डेबिट और सेविंग अकाउंट का क्रेडिट से हम कंबाइन कर सकते हैं। बट अगर सपोज दैट इसके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है, है ना, तो हम ये नहीं कर सकते कि अगर मान लो कि इसके वाइफ का अकाउंट भी बैंक में है और इसके वाइफ का सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट जो है वो बैंक में रखा है, तो हम उससे इस कस्टमर के लोन अकाउंट को वो कर दे, सेट ऑफ कर दे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो सेट ऑफ करेंगे वो सेम कस्टमर से ही सेट ऑफ करना होगा, मतलब सेम कस्टमर के ही दो अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो फीचर होता है वो ये होता है कि दोनों अकाउंट जो होने चाहिए वो सेम बैंक में होने चाहिए, ऐसा नहीं सेम बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस तो हो सकती हैं। सपोज दैट इस कस्टमर का जो अकाउंट था वो SBI में था, तो इसने SBI की ए ब्रांच से क्या किया था, लोन ले लिया था, ठीक है, और बट इसका जो सेविंग अकाउंट था वो था बी ब्रांच में। तो ये जो ए और बी ब्रांच है क्योंकि सेम बैंक की है, तो यहाँ पे हम दोनों मतलब इसके बी ब्रांच के सेविंग अकाउंट को और ए ब्रांच के लोन अकाउंट को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसेंशियल यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैंक सेम होनी चाहिए, तो इस पे बेस जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थर्ड फीचर होता है कि बोथ अकाउंट मस्ट बी हेल्ड एट सेम कैपेसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब दोनों जो अकाउंट्स हैं वो सेम कैपेसिटी में ही उस कस्टमर के होने चाहिए। सेम कैपेसिटी का क्या मतलब है, सेम कैपेसिटी से क्या मतलब है कि सपोज दैट ए एक कस्टमर है और उसका जो अकाउंट है
बैंक में मान लो उसका लोन अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, और लोन अकाउंट उसका चल रहा है, उसका एक और अकाउंट है, वो जो अकाउंट है वो स्पेशल अकाउंट है, मतलब वो अकाउंट में ये जो भी डोनेशन लेता है उस डोनेशन का जो फंड है वो इस अकाउंट में रखता है। सपोज ये जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी से जो भी डोनेशन लेता है उस डोनेशन का फंड इसने इसमें रखा हुआ है, तो बैंक इस फंड को यूज करके है ना इसका सेट ऑफ या इसको कंबाइन नहीं कर सकती है। तो जो दोनों अकाउंट है बोथ अकाउंट मस्ट बी हैंडल सेम कैपेसिटी, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो बैंक ये नहीं कर सकती है कि किसी और पर्पस से जो उसने अकाउंट रखा हुआ है उस अकाउंट को यूज करे वो उसके पर्सनल लोन अकाउंट को। आफ्टर दैट अब फोर्थ फीचर की बात करें तो फोर्थ फीचर क्या कहता है कि जो डेट होना चाहिए, जो भी डेट लिया है उस कस्टमर ने वो ड्यू होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ड्यू हुआ नहीं है और आपने जो है सेट ऑफ अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं, वो ड्यू होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि जो भी आप सेट ऑफ कर रहे हैं वो आप कंप्लीट बैलेंस में कर लें, मतलब तो अगर लोन उसने लिया है 10 लाख रुपए का तो आप पूरे 10 लाख रुपए का क्या कर दें, सेट ऑफ कर दें, ऐसा नहीं है। जो भी उसने पेमेंट्स मिस करे हैं आप केवल उन्हीं का सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट ड्यू होना चाहिए और साथ में क्या याद रहना चाहिए, जो भी मिस्ड पेमेंट्स हैं उस कस्टमर के केवल वही आप सेट ऑफ करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट बैलेंस को सेट ऑफ कर दें, ठीक है। तो ये इसेंशियल फीचर्स हैं और इससे एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद हम एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिक सेट ऑफ कब अप्लाई हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़े और आप सीधे सेट ऑफ कर दें, ठीक है। मान लो कि उस कस्टमर की डेथ हो जाती है, जिस कस्टमर ने आपसे लोन लिया था उसका सेविंग अकाउंट भी आपके पास है या फिर फिक्स डिपॉजिट आपके पास रखा हुआ है, तो अगर उस कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आप ऑटोमेटिक सेट ऑफ अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट वो जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है या फिर दिमाग से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो इंसैनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाए तभी आप ऑटोमेटिक सेट ऑफ कर सकते हैं कि अब वो उस स्टेट में नहीं है, मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो उस लोन को पूरा दे पाए, ठीक है। अच्छा, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं दिवालिया घोषित हो जाए कि अब उसके पास कोई पैसा ही नहीं बचा, उस केस में भी आप सेट ऑफ जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड केस होता है कि जिसको बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, गार्निशी ऑर्डर वो होता है, इसमें कोर्ट जो होती है वो क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में जो होती है ऑर्डर देती है कि सपोज दैट कि कोई डेटर है और वो जो है वो लोन क्रेडिटर को वापस नहीं कर रहा है, वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो ये जो क्रेडिटर है ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में क्या करता है, केस फाइल कर देता है। तो फिर कोर्ट जो होती है वो इस क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में क्या करती है, एक ऑर्डर देती है इसकी डेटर की, किसको ऑर्डर देती है, या तो डेटर की बैंक को देती है ऑर्डर या फिर डेटर की एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या, मान लो कि डेटर जहां जॉब करता है, ठीक है, ये बैंक जो है ये वहां ऑर्डर दे सकती है कि जो भी पैसा जो भी इसको पे करना है, जो भी डेटर को जो पैसा पे करना है वो बैंक या एम्प्लॉयर कोर्ट के ऑर्डर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी उस बेसिस पे क्रेडिटर्स को प्रोवाइड कर देते हैं उसकी पेमेंट, जो भी डेटर ने उसे डेट लिया होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गार्निश ऑर्डर। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब थर्ड केस समझते हैं ऑटोमेटिक सेट ऑफ का। तो अगर मान लो कि कोई फर्म है या कोई कंपनी है ना, और उसका जो पार्टनर है, उसका एक जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी क्या होता है, ऑटोमेटिक सेट ऑफ अप्लाई हो जाता है, ठीक है। या फिर कहें कि अगर वो जो कंपनी है वो बंद हो रही है, ठीक है, तो कंपनी का अगर वाइंड अप हो रहा है, कंपनी बंद होने वाली है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेट ऑफ जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्म या कंपनी की बात कर रहे थे, मान लो यहाँ पे दो जो दो पार्टनर थे दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो उनके फिर हम सेविंग अकाउंट अगर हमारी बैंक में है या फिर करेंट अकाउंट हमारी बैंक में या फिर फिक्स डिपॉजिट है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है कि जब हमें नोटिस ऑफ असाइनमेंट मिल जाता है कस्टमर के क्रेडिट बैलेंस का, जो मैंने आपको फैक्टरिंग में बताया था, जो मैंने फैक्टरिंग आपको समझाया था, तो उसमें मैंने आपको नोटिस ऑफ असाइनमेंट समझाया था, तो जब आपको वो रिसीव हो जाता है तो उस केस में भी आप ऑटोमेटिक सेट ऑफ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां पे हम ऑटोमेटिक सेट ऑफ अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट राइट ऑफ सेट ऑफ, एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड एप्लीकेबल केसेस ऑफ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, सपोज दैट कि दो पर्सन है ए और बी और उन दोनों ने मिलकर कोई लोन लिया, ठीक है, और जो अकाउंट जो ए का अकाउंट है उसमें उसमें डिपॉजिट रखा हुआ है, डिपॉजिट है उसमें पैसा है, तो क्या इस केस में हम सेट ऑफ का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर दो लोगों ने मिलके लोन लिया है और उनके में अगर एक हम सिंगल पर्सन के नाम पे डिपॉजिट अगर है हमारे पास, तो क्या हम सेट ऑफ अप्लाई कर सकते हैं? यस, सेट ऑफ जो है वहां पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो कि किसी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, या फिर को हम बात करते हैं, अगर हमने किसी कंपनी के नाम पे अगर कोई भी लोन लिया है, तो उस कंपनी का जो पार्टनर्स है, जो भी उस कंपनी में जो फर्म्स में जो भी पार्टनर्स हैं, तो क्या उनके अकाउंट से हम सेट ऑफ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, उनके अकाउंट से भी हम सेट ऑफ जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर हमें किसी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अगर हमने लोन लिया है, तो उसमें जो भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट से भी हम सेट ऑफ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो अकाउंट है वो ए नाम पे है और डिपॉजिट भी ए नाम पे है, मतलब लोन अकाउंट भी ए नाम पे है और डिपॉजिट भी ए नाम पे है, तो वहां भी सेट ऑफ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद सपोज दैट कि कोई प्रोपराइटरशिप फर्म है, सपोज दैट एबीसी लिमिटेड कोई प्रोपराइटरशिप फर्म है, और उसका जो प्रोपराइटर है उसका जो अकाउंट है, उसके अकाउंट में जो डिपॉजिट पड़ा है, क्या उससे सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ, उससे भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और उसका जो एक पार्टनर है वो एक्स है, और एक्स ने क्या किया, एक्स ने किसी बैंक से लोन भी ले रखा है, तो इस केस में क्या हम पार्टनरशिप फॉर्म में जो डिपॉजिट रखा है उससे हम सेट ऑफ क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लोन लिया है ये इस पार्टनर ने लिया है, तो इसकी पूरी लायबिलिटी जो है वो कंपनी की कैसे हो गई? इसलिए हम जो पार्टनरशिप फॉर्म है उससे हम जो जो भी इसका पार्टनर रहा होगा उसके लोन अकाउंट को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रस्ट और ट्रस्टी की। ट्रस्टी कौन होता है? जो भी ट्रस्ट को जो चलाता है उसी को हम ट्रस्टी कहते हैं सिंपल टर्म्स में। अब जो ट्रस्ट को चलाता है, जो भी ट्रस्ट की सारी फंक्शनिंग देखता है, उसी को ट्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो यही सेम चीज है, अगर मान लो कि ट्रस्टी के नाम कोई लोन अकाउंट है, ट्रस्टी का नाम वाई है और लोन अकाउंट इसके नाम पे है, ठीक है, तो क्या हम ट्रस्ट के जो ट्रस्ट का जो भी डिपॉजिट रखा है उसे सेट ऑफ कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक। इसी तरह अगर ट्रस्ट के नाम पे लोन है तो क्या हम ट्रस्टी के अकाउंट से सेट ऑफ कर सकते हैं? अगर ट्रस्टी का कोई डिपॉजिट रखा है, क्या हम उसे सेट ऑफ कर सकते हैं? तो भी हम नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखनी है कि ट्रस्ट और ट्रस्टी के केसेस में, दोनों ही केसेस में क्या है कि हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। इसके बाद मान लो कि किसी कंपनी के जो नाम पे कोई लोन अकाउंट चल रहा है, कि कोई कंपनी है उसका लोन अकाउंट है, और किसी उसी कंपनी का क्या है डिविडेंड अकाउंट भी है, तो क्योंकि मैंने अभी इसके पहले बताया था कि सेम कैपेसिटी में अकाउंट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनी अलग है और लोन अकाउंट ऑफ कंपनी अलग है, तो इस केस में भी सेट ऑफ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। देखो यार, कंपनी के डिविडेंड अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनका जो भी डिविडेंड होगा वो उस अकाउंट में रखा होगा, और कंपनी ने अपने लिए अलग से लोन ले रखा है, तो दोनों ही सेम कैपेसिटी में तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे सेट ऑफ जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोई मतलब माइनर का कोई अकाउंट है, वो गार्जियन ऑपरेट कर रहा है और उस गार्जियन ने कोई लोन भी दे रखा है, तो क्या हम उस माइनर की जो माइनर का जो डिपॉजिट होगा क्या हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जो भी माइनर का अगर अकाउंट जो गार्जियन चला रहा है और उस गार्जियन ने लोन भी दे रखा है, तो उस केस में भी हम सेट ऑफ जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद मान लो कि कोई ज्वाइंट अकाउंट है, ए और बी के नाम का कोई ज्वाइंट अकाउंट है और उसमें पैसा रखा हुआ है, और लेकिन लोन जो लिया है वो ए ने लिया है, तो उस केस में क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं? उस केस में भी हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पे लिखा होता कि ए और बी ने दोनों का क्या है ज्वाइंट में दोनों ने लोन लिया है और ए के नाम पे जो है वो सेविंग है, तो हम कर सकते थे। बट अगर यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है कि ए और बी के नाम डिपॉजिट है बट लोन सिर्फ ए ने लिया हुआ है, तो हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल केसेस, और यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि मैं आपको राइट ऑफ सेट ऑफ का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए।